बीडी बिहार में आपके साथ हूँ सोनू कुमार। मैं भी बेगूसराय में मौजूद है और बेगूसराय का ये भगवानपुर प्रखंड क्षेत्र पड़ता है और ये बनवारीपुर पंचायत है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि भगवानपुर प्रखंड में दूसरी जन में मतदान होगी और इस मतदान को लेकर के काफी प्रत्याशियों का चेहरा सामने आना शुरू हो गया है। तो अभी ही नहीं बल्कि इनका चेहरा क्षेत्र में काफी अवगत है और क्षेत्र में सुर्खियों में नाम है नीलम कुमारी पुत्र सन्नी कुमार। तो इसको लेकर के इनको क्षेत्र में भाभी भी कहा जा रहा है और भाभी मुखिया के रूप में इनको क्षेत्र में लोग मान रहे हैं और काफी दिनों से स्ट्रगल यानी मेहनत कर रहे हैं क्षेत्रों में सामाजिक कामों को लेकर। तो मेरे साथ हैं, इनसे हम जानते हैं कि आखिर क्यों ये वर्तमान से संतुष्ट नहीं है, क्या इनके किन कामों से ये असंतुष्ट हैं, तो ये इन्होंने ये चुनाव करने लड़ने का फैसला लिए हैं। तो आइए मेरे साथ बीटी न्यूज को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने पूरे प्रांत में चल रहे इस पंचायती चुनाव की सरगर्मी के बीच बनवारीपुर पंचायत की ओर ध्यान आकृष्ट किए और यहां की उपलब्धि एवं खामियों एवं अन्य सभी कार्यों को आपके चैनल के माध्यम से लोगों को बताने एवं जागरूक करने के लिए मैं पुनः धन्यवाद देता हूँ। और आपके चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों, खासकर बनवारीपुर पंचायत के मतदाताओं, भाई बहनों को मैं नमन करता हूँ। आपका क्या मुद्दा होगा, आखिर क्यों आना पड़ा आपको क्षेत्र में, क्या वर्तमान मुखिया जी के विकास के कामों से या अन्य कामों से संतुष्ट नहीं थे आप? क्या पिछले कई वर्षों से जो भी मुखिया क्या किए नहीं किए ये जनता लोग के सामने है और आज बनवारीपुर पंचायत लगभग 50 गांव का सेंटर बन चुका है और वही स्थिति विगत 5-10 साल 15 वर्षों से जो होता आ रहा है वही आज तक होता आ रहा है। लगभग 20 वर्षों से यही हम देखते आ रहे हैं कि बनवारीपुर गांव में नाला का समस्या हो या फिर मेडिकल सुविधा हो या फिर शिक्षा का व्यवस्था हो, लगभग हर एक परिस्थिति को देखा जाए तो सेम स्थिति है जो आज से विगत कई वर्षों से होते आ रहा है। और आज हम लोग नाला की बात करें तो नाला ऐसा लग रहा है जैसे जो पानी बहाने के बजाय पानी को घर में रखने के लिए बनाया जा रहा है। आज का नाला हम नाला तो नहीं कह सकते, उसको नाली का भी रूप देना मेरे लिए थोड़ा मुश्किल हो रहा है क्योंकि आज पानी का मुख्य नाला का बहाव तो है नहीं और गली गली में नाला हो गया जिससे गांव में और ज्यादा बीमारी जैसे मलेरिया हो गया या फिर टाइफाइड हो गया, इस तरह का समस्या और बढ़ती जा रही है। आपको जब अगर बनवारीपुर पंचायत की जनता अपना एक एक बहुमूल मतदान देकर यानी वोट देकर अपने पंचायत का पंचायत सरकार यानी मुखिया चुन लेते हैं आपको, तो आपका ध्यान किस किस कामों पर आकृष्ट होगा? सबसे पहले आश्वस्त कर देना चाहता हूं कि जब भी अगर कभी हम चुन करके बनवारीपुर पंचायत का प्रतिनिधित्व करने का मौका मिलता है तो यह निश्चित तौर पे कह सकते हैं कि आने वाले सभी ग्राम पंचायत वासियों को वृद्धा पेंशन हो या विधवा पेंशन हो या फिर सरकार का जो भी स्कीम हो, चाहे राशन कार्ड हो, चाहे लक्ष्मीबाई विधवा पेंशन हो, इन सभी योजनाओं को धरातल पर उतार कर जनता के बीच बांटने का प्रयास करेंगे। जो इन सब से रिलेटेड होंगे उनको पूर्ण रूप से देने का प्रयास किया जाएगा। आज हमारे पंचायत में हॉस्पिटल है, आज हमारे पंचायत में स्कूल है। जब हम पंचायत में हॉस्पिटल की बात करते हैं तो विगत कई वर्षों से यह हॉस्पिटल चलते आ रहा है लेकिन जब मुख्य समय आता है, जब हम लोग लगातार देख रहे हैं कि जो यहाँ हॉस्पिटल में ताला लगा रहता है या फिर सही से डॉक्टर टाइम पे नहीं बैठ पाते हैं, जो कि हरेक गरीब जनता को इन समस्याओं को झेलना पड़ता है, यदि हम मुखिया प्रतिनिधि बनकर आए तो हम इनको सुचारू ढंग से चलाने का पूर्ण प्रयास करेंगे। आज हमारे गांव में नाला का समस्या है, आज हमारे पंचायत में लगभग बहुत सारा पंचायत हो गया, 9 नंबर वार्ड हो गया, 4 नंबर 5 नंबर 6 नंबर, भोलावा स्थान जो है, भोलावा स्थान के तरफ जमालपुर, गेहूनी, मुजाहिदपुर, इन सभी जो लगभग बाढ़ की समस्याओं से झेल रहे हैं, लगातार वर्षों से बाढ़ की समस्याओं से झेलते हैं और कोई इन पे ध्यान देने वाला नहीं है। लगभग आज हमारे पंचायत में बहुत सारी जनता है जो अभी वर्तमान में उन समस्याओं को झेल रहे हैं। अगर हम खुद
इस बात को फिर से आश्वस्त आप लोग को कर देना चाहते हैं कि आए तो कोई किसी भी पदाधिकारी से मिलकर, चाहे वो डीएम हो, वीडियो हो, किसी भी अधिकारी लेवल से बात कर करके यहाँ इस बाढ़ से अस्थाई निदान दिलाने का कोशिश करेंगे। और बनवारीपुर पंचायत को बाढ़ क्षेत्र घोषित कराकर बाढ़ का जो मुआवजा होता है वो हम बनवारीपुर पंचायत को देने का पूर्ण प्रयास करेंगे। आज हमारे गांव में नाला भी एक अहम मुद्दा है, जो नाला लगभग पानी, जो हमारे घर का पानी बहाने के बजाय पानी जमा किया जा रहा है, जिससे हमारे गांव में डेंगू हो, मलेरिया हो, डायरिया हो, फलेरिया हो, विभिन्न तरह का रोग हमारे यहाँ उत्पन्न हो रहे हैं। इन समस्याओं को मैं बनवारीपुर पंचायत को, वासियों को आश्वस्त कर देना चाहता हूँ कि अगर मुझे बनवारीपुर पंचायत वासी अगर मुझे थोड़ा सा भी अपना बेटा समझ करके अगर हमें वोट देने का कष्ट करे और अगर हमें जिताने का कष्ट करे, तो ये चीज आश्वस्त हो जाए कि जो यहाँ आपके चैनल के माध्यम से, सोनू जी आपके चैनल के माध्यम से ही हम आश्वस्त कर देते हैं कि जो हमारे पंचायत में यदि मुझे वोट देती है जनता, अगर हम जीत जाते हैं तो आप इस वीडियो को मेरे जिताने के बाद भी दिख पाइएगा कि जो हम यहाँ गांव में नाला बनाए कि नहीं बनाए, चिकित्सा व्यवस्था ठीक कराए कि नहीं कराए, शिक्षा व्यवस्था में मुखिया का माना जाता है कि कोई योगदान नहीं है, लेकिन हम पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव होने के नाते पब्लिक का बात को सुन करके हम शिक्षक संघ को अपना एक कमिटी बना करके जहां पे शिक्षा व्यवस्था सुचारू ढंग से नहीं चल रही है वहां पे पूर्ण प्रयास करेंगे कि शिक्षा व्यवस्था ठीक हो। आज गांव में खेल का मैदान नहीं है, हमारे पुरखों ने बहुत पहले यहाँ बनवारीपुर पंचायत में बहुत सारा जमीन डोनेट, स्कूल के लिए जमीन डोनेट किया, इसलिए कि जो यहाँ प्रशासनिक व्यवस्था के द्वारा खेती ना हो, स्कूल के शिक्षा व्यवस्था के लिए दिया। आज हमारा बनवारीपुर पंचायत का जो कुछ भाग जमीन है वो पंचायती प्रशासन के द्वारा या फिर ब्लॉक प्रशासन के द्वारा आज उसको खेती करवाया जाता है, जो हम आने वाले समय में इस बंदोबस्ती से मुक्त कराने का पूर्ण प्रयास करेंगे। जीत जाने के बाद आप में तो नहीं जाति द्वेष की भावना जग जाएगी? पिछले कई वर्षों से यही देखा जाता है कि हमारे त्रस्त गरीब, हमारी त्रस्त जनता जो काफी गरीब हैं, वो लाचार हैं, वो किसी के पास जाए तो निश्चित तौर पे उनको अलग कर दिया जाता है, उनको बहुत ही अछूत माना जाता है। इन समस्याओं को देखते हुए हम अपने पंचायत में आपके चैनल के माध्यम से आपको भी हम बता देना चाहते हैं कि जो मेरे समय में किसी भी गरीब हो, अमीर हो, कोई भी हो, उनको वही सम्मान मिलेगा, उचित सम्मान देने का काम किया जाएगा। क्या जनता के का ये हो रहा है, जनता लोगों को क्या इससे मुक्ति मिलेगी जनता को? निश्चित रूप से हर समस्या से मुक्ति दिलाना पंचायत प्रतिनिधि का दायित्व बनता है, और अगर हम लोग की जनता अगर इस तरह का निर्णय लेती है कि जो गांव में अपना वोट, बहुमूल्य वोट देकर अगर मुझे इस, अगर मेरे मम्मी को अगर इस चाहे इस मुखिया पद के लिए उम्मीदवार के रूप में अपना प्रतिनिधित्व करने का मौका देती है, तो निश्चित तौर पे हम कह सकते हैं कि आने वाले समय में जो नाला का समस्या है, रोड का समस्या है, चाहे शिक्षा व्यवस्था हो गया, चिकित्सा व्यवस्था हो गया, इस सब पे हम पूर्ण रूप से काम करने का प्रयास करेंगे।